सर, हम लोग तेलंगाना स्टेट से हैं सर। मैं हूँ एक सर्विसमैन हवलदार सच्चिदानंद की बीवी हूँ सर। मारपीट, हमारा पति के साथ मारपीट भी हुआ है सर। इस बात को लेके हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए, उधर भी हम लोगों को मदद नहीं मिली, क्योंकि ये MLA इन्वॉल्व है, हम कुछ कर नहीं सकते करके बोले सर। मैं चाहता हूँ कि वहां की पब्लिक भी थोड़ा अवेयरनेस हो और उसको जूते मारो MLA को। अगर ये यहाँ हमारे आसपास का मामला होता तो हमने बहुत लोगों को जूते की मारा डाली है, भगाया है यहां से। आप लोग जब तक खुद नहीं जागोगे, MP MLA मिनिस्टर कोई ऊपर से पैदा नहीं हो रहा, कोई भगवान नहीं है, उन लोगों को हमने बनाया है। हम वोट डालकर उनको बनाते हैं, जब हम उनको बना सकते हैं तो नीचे भी गिरा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक वीडियो हमारे एक फौजी जवान है, उनकी वाइफ ने मेरे पास भेजा है तेलंगाना से। इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि फौजी जब रिटायर्ड होते हैं तो कई स्टेट के अंदर फौजियों को सरकारी जमीन दी जाती है, फिर वो सरकारी जमीन वहां के लोकल MLA या चंद एक गुंडे बदमाश मिलकर फौजी से वापस छड़पने की कोशिश करते हैं। और इस चीज में वो साले राजनेता जे जब एक शहीद हो जाता है बंदा तो फोटो खिंचाने के लिए आएंगे, बड़े बड़े लेक्चर देंगे और दिखाओ करेंगे, जब वोट लेना होगा तो हम शहीदों के साथ हैं, जवानों के साथ हैं। और जब इस तरह कोई जमीन हड़पने का मामला आता है तो भी ये हरामखोर MP MLA ही सबसे ज्यादा उन लोगों का साथ देते हैं। ये बता रहे हैं कि इनके साथ मारपीट भी की गई है और वो जमीन भी दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो तेलंगाना सरकार सो रही क्या? अभी एक बड़ा राजनीतिक दिखावा करने के लिए एक अभी हमारे जो डोकलाम में कर्नल साहब शहीद हुए थे उनकी वाइफ को क्या क्या घोषणाएं की हैं, डायरेक्ट डिप्टी क्लर्क की नौकरी भी दी है, उसके लिए मैं उनको सलूट करता हूं तेलंगाना सरकार को। लेकिन क्या सिर्फ ऑफिसरों के लिए है क्या? इस तरह जवानों के साथ कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो चुप हो गया, या खाली ड्रामा कर रहे हो दिखा रहे उसके नाम पर? मैंने उस दिन भी कहा था, अच्छी बात है कि कोई अफसर शहीद हुए हैं या उनको जो आप फैसिलिटी देते हो दो आपको, लेकिन उसी के साथ अगर कोई जवान शहीद हो रहा है, इस तरह किसी जवान की समस्या आ रही है, उस पर क्या ध्यान क्यों नहीं देते? वैसे तो ये मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वहां की सोई हुई सरकार की आंखें खुलें और वो इनको इनका हक दिलाएं। और वो MLA जो इस तरह जवानों के साथ धोखा कर रहा है, दिखावा देशभक्ति, और वैसे बहन जो उन लोगों का साथ देकर जब एक फौजी की जमीन हड़प रहा है, ऐसे लोगों का मैं चाहता हूं कि वहां की पब्लिक भी थोड़ा अवेयरनेस हो और उसको जूते मारो MLA को। अगर ये यहां हमारे आसपास का मामला होता तो हमने बहुत लोगों को जूते की माला डाली है, भगाया है यहां से। आप लोग जब तक खुद नहीं जागोगे, MP MLA मिनिस्टर कोई ऊपर से पैदा नहीं हो रहा, कोई भगवान नहीं है, उन लोगों को हमने बनाया है। हम वोट डालकर उनको बनाते हैं, जब हम उनको बना सकते हैं तो नीचे भी गिरा सकते हैं। इस देश में लोकतंत्र में पब्लिक की पावर है, उसका इस्तेमाल करो, या फिर बंद कर दो ये नाटक देशभक्ति का दिखावा। और मैं ज्यादातर मैं फिर कहता हूं कि जो हमारी ये लड़ाई है, इसे आपको और हमको मिलकर लड़ना होगा। किसी दूसरे के भरोसा तब तक करते रहेंगे तब तक कभी हम सफल नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि हम सफल हों तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ो। चैनल जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे हमारी ताकत होगी, हमें जरूरत नहीं कि किसी MLA MP के जाकर हम धोख दें और काम करवाएं। हम खुद मजबूत होंगे, हमारा काम खुद कर सकते हैं। हमारी तादाद इस देश में 50 लाख से ज्यादा हम रिटायर्ड सैनिक है और वर्तमान सैनिक करोड़ों में हमारी तादाद है, हमारे जुड़े हुए हमारी फैमिली और हमारे दोस्त, अगर हम लगाएंगे तो देश का आधा से ज्यादा हिस्सा हमारे उसमें है। लेकिन हम जात पात में धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, एक ऐसा संगठन नहीं, संगठन भी बनाए हैं यहाँ तो वही 19 अफसरों को यहाँ भी सिर पर बैठा रखा है, जो तुम्हारे सिर पर बैठकर तुम्हारा दिखावा लेकर अपने फायदा ले रहे, चाहे वो वन रैक वन पेंशन हो या कोई भी मैटर हो, सारे के सारे वो फायदा उठा रहे हैं
और आप लोगों को घंटी मिलती है सिर्फ बजाने के लिए। इसलिए इस चैनल से जुड़ो, हम आने वाले भविष्य में एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ ओआरएस जवान और वो जैशो जो हमारे पक्ष में है, वो जैशो नहीं जो अपने रैंक के चक्कर में जवानों का भट्टा गोल करवा के बैठे हैं। आप रैंक लो, अपने दम पर लो, किसी की नौकरी खड्डे में गिराकर या चुगली करके रैंक लेके सफल नहीं होगे। फिर ऐसे बहुत से लेके तो आ जाते हैं, मैंने बहुत देखे हैं कि कोई ऑनरे कैप्टन लेके आ गया, कोई क्या लेके आ गया, लेकिन वो धोखा खाते हैं कहीं ना कहीं। आज इस युग में यही कंप्यूटर है, यही सब कुछ निकल जाता है। मैं ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूं इस बहन का वीडियो देखें और इनकी मदद करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम सर, हम लोग तेलंगाना स्टेट से हैं सर। मैं हूं एक सर्विसमैन हवलदार सच्चिदानंद की बीवी हूं सर। हमारा जो समस्या है सर, हम लोगों को एक सर्विसमैन कोटा में 4 एकड़ जमीन मिला है सर हमारे गांव में। हम लोगों को कब्जे में जाने से हमारे गांव में कुछ लोग लोकल एमएलए की मदद से हम लोगों को कब्जे में जाने नहीं दे रहे। हम लोगों को ज़मीन में जाने से मारपीट, हमारा पति के साथ मारपीट भी हुआ है सर। इस बात को लेके हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए, उधर भी हम लोगों को मदद नहीं मिली, क्योंकि ये एमएलए इन्वॉल्व है, हम कुछ कर नहीं सकते करके बोले सर। हम लोग कलेक्टर के पास भी गए, उधर भी हमको मदद नहीं मिले। अभी हमारा हस्बैंड अभी भी डीएससी में काम कर रहे हैं सर, केरला कोचिन केरला में है अभी पोस्टिंग। वो उधर से ऑफिसर से लेटर भी भिजवाया सर, कलेक्टर को, एसपी डीएसपी को, सबको ऑफिस में लेटर भिजवाया, फिर भी हम लोगों को कोई मदद नहीं किया। अभी 3 साल से हम यही समस्या से दुखी है सर। हम बहुत लड़ रहे सर, बहुत परेशान है इस बात को लेके। मेरा हस्बैंड बहुत दुखी है। हम लोगों को धमकी बहुत दे रहे सर, गांव से एमएलए एमपीपी सब लोग हम लोगों को धमकी दे रहे। हम डर के गांव में भी नहीं जा रहे। अभी सिटी में रह रहे हम लोग, हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग इस ज़मीन की वजह से हम लोग बहुत दुखी है सर। प्लीज़ हमारा हेल्प कीजिए सर, हम लोग आपसे मदद मांगने के लिए वीडियो बना रहे हैं सर। हाँ प्लीज़ हमारा मदद कीजिए। हमारा डिटेल्स है सर, हमारा हस्बैंड का नाम सच्चिदानंद है, हवलदार से रिटायर हुआ है, 22 साल सर्विस किया है सर आर्मी में। हमारा तेलंगाना स्टेट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट वनपर्ति है, हमारा मंडल आत्मकूर, गांव पिनमचरला सर। पिनमचरला में मिला है 23 सर्वे नंबर में 4 एकड़ जमीन मिला है सर। उस जमीन हमारा हक है सर, लेकिन हमको कोई उसमें कब्जे में जाने के लिए बहुत तंग कर रहे सर, हम लोग जाने नहीं दे रहे। प्लीज़ सर हमारा मदद कीजिए। जय हिंद।